नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है पाशुलिपि हिंदी व्यवहारिक परीक्षण गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का हृदय से समर्थन करता हूँ, लेकिन समर्थन करने के साथ साथ कुछ बातों की और इस सदन का ध्यान आकर्षित करना उचित समझता हूँ। विराम। इस संशोधन विधेयक में खानों में काम करने वाले मजदूरों के कल्याण के लिए चर्चा की गई है। उनको सुविधाएं दिए जाने की बात का कोई विरोध नहीं कर सकता। सब लोग समर्थन ही देंगे। हम देखते हैं कि मजदूरों का जितना भला होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। इस बात की चर्चा करते हुए मैं दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अभी कुछ महीने पूर्व मजदूर संघ की रैली हुई थी। इस रैली में बहुत बड़ी संख्या में खानों में काम करने वाले श्रमिक भी आए थे। उन्होंने शिकायत की कि उनमें से बहुत से लोग हिंदी भाषी क्षेत्रों के हैं, लेकिन उनके बच्चों के लिए स्कूलों में पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। सरकार का यह नियम है कि यदि काफ़ी संख्या में इस तरह के लोग हों और जिस भाषा को भी वे जानते या बोलते हों उसी भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन खान मालिकों ने इसकी व्यवस्था नहीं की है, जिस की वजह से कठिनाई होती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि वे इसका पता लगाएं और यदि यह बात सही है तो उनके बच्चों को अनपढ़ बनाकर रखने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए आप यह अवश्य देखें कि इस तरह काम करने वाले मजदूरों के बच्चों की शिक्षा उनकी भाषा में हो। मजदूरों के कल्याण से बिल का संबंध है और यदि मजदूर शिक्षित नहीं होंगे तो वे कल्याण की बात भी नहीं समझ सकेंगे। पैरा। दूसरी बात दुर्घटनाओं से संबंधित है। खानों में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, लेकिन जो मुआवजा आदि उनको मिलना चाहिए वह उचित तरीके से उनको नहीं मिलता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जहां इस तरह की बात हो, जहां आपका कानून तोड़ा जाता हो, वहां उस पर रोक लगाएं। आप जो कानून बना रहे हैं उसका पालन हो, इस बात को देखना सरकार का काम है। सही अर्थों में तभी आप मजदूरों की सहायता कर सकेंगे और उनको सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। विराम। अच्छा तो यह होता यदि उनके कल्याण की सभी बातें बिल में रहती। विराम। यह बिल फिर भी सही है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। इस बिल का समर्थन मैं इसलिए भी करना चाहता हूँ कि इससे पूर्व इस विषय पर इस सदन में काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है और अधिकतर सदस्यों ने भी इस महत्वपूर्ण बिल पर खुलकर विचार रखे हैं। चर्चा के दौरान इस बिल के हर पहलू पर विस्तार से विचार भी हुआ है। कई बार सदस्यों के विचारों में मतभेद भी उभरे हैं,
लेकिन चर्चा के अंतिम दौर में सभी मतभेद समाप्त होते देखे गए हैं। विराम। प्रसन्नता की बात है कि सभी सदस्यों ने महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए हैं। पूर्ण विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।